हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिमार में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों यदि अपो का आपका फ़ोन है और एकाएक आपका टच काम करना बंद कर दिया है, आपका मोबाइल गिरा नहीं है, पानी में नहीं गया है, एकाएक आपका मोबाइल का टच जो है काम करना बंद कर दिया है, आपका मोबाइल हैंग हो गया है, तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल एक बार ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके मोबाइल का जो है टच स्क्रीन काम करने लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन यानी वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन और पावर बटन, दोनों बटन को एक साथ आप प्रेस करोगे। उसके बाद ये स्विच ऑफ करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको या तो बैटरी खोल के स्विच ऑफ करेंगे मोबाइल खोल के, या तो फिर आपको दूसरा ट्रिक मैं बताता हूँ, ये वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, इन दोनों बटन को आपको थोड़ा टाइम तक प्रेस करके रखना है। तो चलिए इसे थोड़ा टाइम तक हम प्रेस करके रखेंगे। दोस्तों स्विच ऑफ करने के ऑप्शन के बाद भी थोड़ा टाइम हम इसे मतलब प्रेस करके रखे रहेंगे, लगभग 20 सेकंड तक पावर जो है वॉल्यूम अप बटन को और पावर बटन को दोनों को एक साथ लगभग 30 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद हमारा मोबाइल जो है स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होके ऑन होगा। तो स्विच ऑफ होके ऑन होगा यदि आपका मोबाइल मतलब टच नहीं ख़राब है, आपका मोबाइल हैंग हो गया है और पानी में मतलब नहीं गिरा है, आपका मोबाइल यदि हैंग हो गया है, तो इस ट्रिक से आपका जो है 100% आपका जो है टच काम करने लगेगा। दोस्तों तो चलिए ये देखिए हमारा मोबाइल जो है खुल गया, ये देखिए हमारा टच काम करने लगा। दोस्तों यदि इस प्रकार से आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा टाइम जो है वॉल्यूम अप बटन और वो जो है पावर बटन को प्रेस करके रखोगे तो आपका जो है मोबाइल स्विच ऑफ होगा। स्विच ऑफ होने के बाद जब ऑन होगा तो हो सकता है कि आपके मोबाइल का टच काम करने लगेगा। दोस्तों तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।